Hi everyone, this is Alpna and welcome to my channel All About Kids. So first of all, I want to say my viewers who have not used to subscribe my channel, please support and subscribe my channel and hit the bell icon to get the notification first. And today's videos I am going to tell you about shapes in a very tricky way and with the example with the niyati. So let's get into the video. Yes. So hi friends, today's niyati will tell you about shapes with the example. Okay, so let's start. This is circle. Okay. Circle is like a bangle and ball. Okay, and triangle. This is triangle. Triangle is like a samosa. Okay, next is square. Yes, this is square. And square is like a bread. And ice cube. Okay. Next is rectangle. Show like this. This is rectangle, and rectangle is like a chocolate. Clip and also like a mobile shape. Okay. And next is oval. Okay. Show the oval. Oval is like an egg. This is oval shape. Give me egg. Okay. And oval shape is like the egg and also like a Kinder Joy. Yes. Okay. Now Kinder Jumbo egg. Yes. Now this is semicircle. Okay. Semicircle is like a moon. Okay. And next one. This is heart. Heart shape. Heart is like a strawberry. Yes. And next is star. Star is like a star. Yes. Have you ever seen a star? In the sky. Very good. Huh? Hexagon. Okay. This is hexagon. And say hexagon has a six sides. Very good. And this one is pentagon. Very good. Pentagon is like a pentagon. Yes, like a house. No. Yes. Pentagon has five sides. Okay. So आपको अपने बच्चों को शेप के बारे में 2 ईयर्स की जब हो जाए तो आप उनको शेप इंट्रोड्यूस कर सकते हो. और क्या करना है आपको विद पिक्चर और आपको उसके साथ शेप इंट्रोड्यूस करना है. आप उनको शेप दिखाइए और उनको बताइए कि दिस इज़ द सर्कल शेप, दिस इज़ द ओवल शेप, और आप उनको थिंक्स दीजिए तो वो धीरे धीरे समझने लगेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ भी अपने बच्चे को सिखाएं, आप उनको डेली लाइफ की चीज़ों से कोरिलेट करके सिखाएंगे. आई एम वेरी श्योर दे विल गेट. फ्रेंड्स, हमने आज आपको शेप्स के बारे में बताया है. आप कभी भी अपने बच्चे को जब भी शेप इंट्रोड्यूस करें, 2 ईयर से आप अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके सराउंडिंग जो भी थिंग्स हैं, आप सबसे पहले आप उनको उस चीज़ से अपडेट कराएँ और उसको ड्रॉ करें, उनको कलरिंग करने को दो. और इसके बाद आप उसको जो डेली लाइफ में आप सर्कल है, ओवल है, तो आप उनको उस चीज़ को दिलाएं, तो ऐसे वो धीरे धीरे बहुत ही फास्ट शेप सीख जाएंगे. सो फ्रेंड्स, आप इफ़ यू वांट टू इंट्रोड्यूस योर चाइल्ड फर्स्ट टाइम शेप्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू गिव शेप एंड एज वेल एज यू ड्रॉ एंड देन यू टेल. दे विल गेट वेरी अर्ली. And every child is a very quick learner,
सो जब भी आप अपने बच्चे को शेप या किसी भी चीज के बारे में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप उसको आप हाउस होल्ड या फिर विच इज सराउंडिंग अस, आप उसको उस चीज से कोरिलेट करें और फिर आप उसको बार बार वो चीजें जब भी आए तो आप उनको जरूर एक क्विक अपडेट दीजिए. लाइक दैट इफ यू वांट टू टेल यू शेप्स, तो फर्स्ट जैसे आपने ये देखा सर्कल, तो आप उनको बताओ कि ये व्हाट्स द शेप ऑफ दिस सर्कल, व्हाट्स द शेप ऑफ दिस ओवल. सो आप एक बार उनको जब पढ़ाओगे और उसके बाद जब भी आपके पास आपके डेली लाइफ में वो चीज़ें आती हैं तो आप उनको उस चीज़ से इंट्रोड्यूस करो, दे विल गेट वेरी सून एंड अप्लाई व्हाट आई एम टेलिंग यू एंड देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स हाउ मच दिस इज हेल्पफुल फॉर यू. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून.